नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजधानी पटना में गाड़ियों की संख्या बढ़ी 4 गुना, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की संख्या चिंताजनक। बिहार में गिरेगा तापमान, मौसम में होगा बदलाव। बिहार में NHM के तहत काम कर रहे कर्मियों के लिए खुशखबरी, बिहार में सस्ता हुआ सरसों और रिफाइंड तेल। CBSE ने आज किया नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। शराबियों से खचाखच बढ़ गया थाना। कहने को बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब की बिक्री और सेवन दोनों ही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन इन सब के बीच हर दिन बिहार में शराबियों के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। कई लोगों के जान जाने की खबरें के बीच बीते दिन बिहार के एक थाने में सैकड़ों की संख्या में शराबियों का हुजूम लग गया। छठ पूजा की समाप्ति के बाद गुरुवार की रात पुलिस ने अभियान चलाया था, इसी दौरान यह सफलता मिली है। प्रदेश से शराब पीकर बिहार के बक्सर सीमा में प्रवेश के दौरान वीर कुंवर सिंह सेतु पर गुरुवार की रात पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल अभियान शराबी पकड़ो के तहत करीब 3 घंटे में नगर थाना की पुलिस और उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने पकड़ने से पहले कई लोगों का मुंह सूंघा, तो वहीं कई लोगों के हाव भाव से उन्हें पहचान लिया। इसके बाद सबको गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने कई बाइक और लग्जरी कार भी जब्त की है। बिहार में गिरेगा तापमान, मौसम में होगा बदलाव। बिहार में ठंड का प्रभाव दिखना पहले से ही शुरू हो गया है, वहीं आने वाले समय में ठंड का एहसास लोगों को और भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जल्द ही तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में ठंड चौंकाने के मूड में है। न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आएगी, हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अभी कड़ाके की ठंड की बात से इंकार किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अभी सूबे में शुष्क मौसम बना हुआ है। भले ही अभी उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव नहीं है और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के आसार भी नहीं है, इस वजह से ठंड में अत्यधिक बढ़ोतरी की भी उम्मीद नहीं है। 1 से 2 डिग्री न्यूनतम तापमान भले ही नीचे आ सकता है, लेकिन दिन में अच्छी धूप खिलेगी। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व सामा चकेवा शुरू। लोकआस्था का महापर्व छठ का समापन हो गया है। समापन होने के साथ ही बीते दिन से मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व सामा चकेवा की शुरुआत हो गई है। जिनको नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस लोक पर्व के दौरान महिलाएं सामा चकेवा की मूर्तियों के साथ सामूहिक रूप से गीत गाती हैं। बता दें कि सामा चकेवा की मूर्तियों को खरीदने के लिए दिन भर महिलाओं और लड़कियों की भीड़ बाजार में देखी गई। सामा चकेवा की मूर्तियां बाजार में 40 से 150 रुपए तक खरीदी गई। सामा चकेवा के गीतों से मिथिलांचल के साथ साथ कई क्षेत्र में उत्सवी का माहौल है। मधुबनी पेंटिंग के साथ फिर से छा गई दुलारी देवी। मधुबनी पेंटिंग के कारण मशहूर दुलारी देवी की पहचान आज घर घर में है। यही कारण है कि उनकी इस लोकप्रियता और लगन की सराहना करते हुए हाल ही में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि यह सम्मान 100 लोगों से अधिक लोगों को मिला, लेकिन दुलारी देवी को इस सम्मान के साथ साथ पीएम मोदी से मिलने का भी मौका मिला। साथ ही इस दौरान दुलारी देवी ने पीएम मोदी को एक पेंटिंग भी भेंट की, जिसकी तस्वीर बीते दिन ही पीएम मोदी ने शेयर की है और लिखा कि दुलारी देवी जी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें #peoplespadma से सम्मानित किया गया है। मधुबनी की रहने वाली दुलारी देवी एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। पद्म अलंकरण समारोह के बाद पुरस्कार विजेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अपनी कलाकृति भेंट की, उसके लिए उनका आभार और अभिनंदन। राजधानी पटना में गाड़ियों की संख्या बढ़ी 4 गुना, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की संख्या चिंताजनक। पटना जिला परिवहन कार्यालय में साल 2005 में जारी आंकड़ों के अनुसार 5 लाख वाहन पंजीकृत थे, जिसकी संख्या अब बढ़कर लगभग 20 लाख हो चुकी है। इनमें 4.5 लाख व्यावसायिक वाहन और 15.5 लाख प्राइवेट वाहन है। सबसे अधिक वृद्धि बाइक की संख्या में हुई है और यह 9 लाख के पार पहुंच गई है। हैवी कमर्शियल व्हीकल की संख्या लगभग 3 लाख है। निजी चार पहिया वाहनों की संख्या 6 लाख के करीब है, यानी कि लगभग 4 गुना गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है। लेकिन बात जब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की करे तो ना तो इनकी संख्या में इस दौरान वृद्धि हुई और ना ही उसके रेगुलेशन वाहन या अन्य संसाधन बढ़े हैं। इन दिनों पटना ट्रैफिक पुलिस के पास लगभग 1100 अधिकारी, सिपाही और होमगार्ड हैं। इनमें 65 जगह डबल शिफ्ट में और 8 जगह ट्रिपल शिफ्ट में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस बड़ी जरूरत के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ी है। बिहार में NHM के तहत काम कर रहे कर्मियों के लिए खुशखबरी। बिहार में NHM के तहत काम करने वाले कर्मियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत इन कर्मियों को जल्द ही 2 बड़ी सुविधा मिलने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में काम करने वाले संविदा कर्मियों को सरकार स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा दोनों देने की तैयारी में है। स्वास्थ्य विभाग के एक निर्देश के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में कवायद शुरू कर दी है। संविदा कर्मियों का बीमा 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 13,000 संविदागत स्वास्थ्य कर्मी इससे लाभान्वित किए जाएंगे, तो वहीं अगले दौर में 12,000 बीमा के तहत कर्मियों को कैशलेस और
प्रतिपूर्ति दोनों तरह की सुविधा मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वास्थ्य बीमा के तहत संबंधित सदस्य के प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा समूह बीमा में जोड़ा जाएगा। वही दुर्घटना बीमा के तहत संबंधित संविदा कर्मी की दुर्घटना में मौत की स्थिति में 10 लाख रुपए की राशि उसके परिवार को सौंपी जाएगी। छठ के बाद बिहार से लौटने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। छठ त्योहार का समापन हो गया है, जिसके बाद त्योहार को लेकर आए बिहारी अब वापस जाने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन कई ट्रेनों में सीट फुल होने के कारण यात्री भी परेशान हैं। लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों को खुशखबरी दी है, जिसके तहत छठ महापर्व के बाद बाहर जाने वाले यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे लोगों को पूजा के बाद अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी, जिसमें राजगीर आनंद विहार टर्मिनस, कटिहार जम्मू तवी, मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनस, रक्सौल आनंद विहार टर्मिनस और दानापुर से हावड़ा मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनस, रक्सौल आनंद विहार टर्मिनस और दानापुर से हावड़ा के लिए ट्रेन शामिल है। बिहार सरकार ने शुरू की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तैयारी। साल 2022 के शुरू होने में अब 1.25 महीने के करीब समय बचे हैं। इसे लेकर बिहार सरकार भी अगले साल के लिए बजट की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए आज से सभी विभागों के साथ वित्त विभाग के अधिकारी मंथन शुरू कर रहे हैं। इस दौरान सभी विषयों पर गंभीरता से चर्चा होगी। यह प्रक्रिया आपको बताते चले कि 1 सप्ताह तक चलेगी। इसके साथ ही राजस्व प्राप्त करने वाले सभी विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य बताने का निर्देश भी दिया गया है। बताते चले कि वित्त विभाग की ओर से 47 विभागों और इसके निकायों को इसके लिए पत्र भेजा गया है। अब 19 नवंबर तक बजट संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा के आधार पर 2022-23 के बजट का खाका तैयार करने का काम किया जाएगा। बिहार में सस्ता हुआ सरसों और रिफाइंड तेल। बिहार में महंगाई की मार झेल रहे आम नागरिकों के रसोई के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार और महंगे दर पर तेल खरीदने से परेशान बिहार वासियों को अब तेल सस्ते दाम में मिलने वाले हैं। भले ही त्योहारी सीजन में महंगे तेल ही खरीदने पड़े हों, लेकिन अब रिफाइंड का भाव 10 रुपए प्रति लीटर नीचे आया है। वहीं सरसों तेल में भी 5 से 10 रुपए प्रति लीटर की राहत मिली है, जिसके तहत सोया रिफाइंड का भाव 155 रुपए प्रति लीटर पर था, जो अब 145 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। इसी तरह से सरसों का तेल न्यूनतम 195 रुपए पर चल रहा है, जो कि अब 185 रुपए पर आ गया है। इसका भी न्यूनतम भाव 10 रुपए प्रति लीटर कम हुआ है। इस बाबत बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलदेजा ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। CBSE ने आज किया नेशनल अचीवमेंट सर्वे। स्कूली बच्चों के शिक्षा का स्तर जांचने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा आज करवाया गया। इस दौरान क्लास 3, 5, 8 और 10 के बच्चों का लर्निंग लेवल जांचने के लिए जिम्मेदारी CBSE को दी गई। बिहार के करीब 5700 स्कूलों समेत देश भर के करीब 1.25 लाख स्कूल इस उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का हिस्सा बने थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 12 नवंबर को देश भर के स्कूलों का अचीवमेंट सर्वे कराने का निर्णय लिया गया था। उनके लर्निंग लेवल को जांचने के बाद सरकार उनके लिए बेहतर कार्य योजना कर पाएगी। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि 12 नवंबर को स्कूल समय से खुलेंगे और सभी शिक्षक, छात्र और कर्मचारी भी समय से उपस्थित रहेंगे। यूपी बिहार के पहलवानों के बीच खूब हुई धोबी पछाड़। बीते दिन पूजा समिति द्वारा यूपी और बिहार सीमा पर स्थित बगहा में विलुप्त होती मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जाने माने समाजसेवी कामरान अजीज उर्फ गुड्डू मुखिया और राजद नेता पप्पू यादव ने फीता काट कर किया, जिसके बाद NH 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क किनारे बगहा शास्त्री नगर चौक पर आयोजित दंगल में यूपी और बिहार के कई नामचीन पहलवानों ने जोर आजमाइश किया और मुकाबले के बाद इन्हें नगद देकर सम्मानित किया गया। पटना एयरपोर्ट के 7 गुना बड़े टर्मिनल के बनने के बावजूद बड़े विमानों के उतारने का सपना नहीं होगा पूरा। पटना एयरपोर्ट पर 3 तरफ से विमान उतरने की सुविधा है, लेकिन अलग अलग तरफ से लैंडिंग की अलग अलग समस्याएं हैं। देश के सबसे तेजी से बढ़ रहे एयरपोर्टों में से एक पटना एयरपोर्ट भी है। वहीं यहां बढ़ रहे पैसेंजर लोड को संभालने के लिए लगभग 800 करोड़ खर्च करके वर्तमान से 7 गुना बड़ा आलिशान और अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बन रहा है, जिसकी क्षमता 7 लाख की बजाय 80 लाख यात्रियों की आवाजाही लायक होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अत्याधुनिक सुविधा बढ़ाए जाने के बावजूद रनवे छोटा का छोटा ही रहेगा, जिसके कारण ही मध्यम आकार के विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ में परेशानी आगे भी जारी रहेगी, जबकि बड़े विमान भविष्य में भी यहां उतर नहीं पाएंगे। जानकारों की माने तो जू की तरफ से बना सचिवालय टावर के कारण रनवे विस्तार का काम नहीं हो सका है, यानी कि साफ है कि रनवे विस्तार नहीं होने की वजह से जगह की कमी है।
चुनावी राजनीति में फंसा दरभंगा एम्स। दरभंगा एम्स बनाने को लेकर बिहार सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन अस्पताल बनाने को लेकर लेट लतीफी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर ही बिहार में राजनीति तेज है। इसी कड़ी में हायाघाट से पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने दरभंगा एम्स के निर्माण में हो रही देरी को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का सपना दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को ठग रहे हैं। दरभंगा में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरनाथ गामी ने कहा कि दरभंगा एम्स चुनावी राजनीति में फंस गया है। उन्होंने आगे कहा कि एम्स के निर्माण में अभी कई सारी अड़चनें और बाधाएं हैं, जिनकी वजह से इसे बनने में वर्षों लग सकता है। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर सुशील मोदी ने कार्रवाई की उठाई मांग। अगर आप भी एक सच्चे पाठक हैं तो आपने भी अब तक सलमान खुर्शीद की कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ी होगी और उसकी प्रशंसा भी की होगी, लेकिन अब सलमान खुर्शीद की किताब विवाद का कारण बन गई है, क्योंकि उनकी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या में साधु संतों की तुलना इस्लामी कट्टरपंथियों से की गई है, जिसको लेकर ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने खुर्शीद को तो निशाने पर लिया ही, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि साधु संतों की तुलना इस्लामी पंथियों से करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ कांग्रेस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हसन अली की एक गलती ने छीना पाकिस्तान से फाइनल का टिकट। बिना कोई मैच गवाए सेमीफाइनल में कदम रखने वाली पाकिस्तान टीम ने जोरदार खेल तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दिखाया, लेकिन किस्मत ने बाबर आजम एंड कंपनी का साथ नहीं दिया। मैथ्यू वेट की विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे टीम के सबसे सफल गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भी घुटने टेक दिए। हालांकि पाकिस्तान की इस हार का कारण हसन अली द्वारा टपकाया गया वेड का आसान सा कैच भी रहा। इस कैच के ठीक बाद वेड ने अफरीदी के खिलाफ लगातार 3 छक्के जड़कर मैच को खत्म किया। दरअसल 19वें ओवर की शाहीन अफरीदी द्वारा फेंकी गई तीसरी गेंद पर वेड ने लेग साइड की तरफ से हवा में शॉट खेला और गेंद सीधा हसन अली के हाथों में गई, लेकिन पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज इस कैच को नहीं पकड़ सका, जिसके बाद से ही मैच हारने का ठीकरा इसी खिलाड़ी के सिर फोड़ा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।